मीरा बिनते अनवर खान बहक के महर 25 लाख रुपए से कई राजुल वक्त मुर्तसिम खान वल शाह नवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो बेटा। तुझे करके दिखा दूंगी क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगी। बेवा जो हो गई हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बेवा ही तो चूड़ियां तोड़ती हैं और जनाजा उठा है मेरी यादों का। मेरा शहजादा मुझे छोड़कर किसी और शहजादी के पास चला गया। हाया, कैसा लगा आपको आपका कमरा? अच्छा है, ठीक है। फिक्र मत करें, कमरे में रहने वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। जाहिर है तुम्हारा भाई है, तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो मेरे भाई नहीं होते तब भी मैं यही कहती कि मुर्तसिम भाई जैसा कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा, उसके जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। अरे वाह, सही कहते हैं लोग, निकाह में तो बड़ी ताकत होती है। यहाँ बोला कबूल है और यहाँ दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अच्छा, हाँ कहते हैं लोग। अच्छा, आपको बेड पे बिठा दूँ? मरियम, मैं पहले ही बेड पे बैठी हूँ, मैं बहुत थक रही।
माँ बेगम ने कहा है कि आपको अच्छे से बेड पे बिठा के घूंघट लगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जाए ना, भाई आते होंगे। आपके मुर्तसिम भाई ने मुझे देख लिया है। माँ बेगम का हुक्म है कि घूंघट करना है। अच्छा आपको पता है पुराने जमाने में, पुराने वक्तों में लड़कियां अपने सास ससुर के सामने भी घूंघट करती थी। पुराने जमानों में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। अब का जमाना मुख्तलिफ है, लड़की औरत की अपनी पहचान है। हाँ ठीक है ना, लेकिन प्लीज मान जाए ना, अब माँ बेगम मुझे बहुत डांटेंगी। मरी मैंने कहा मैं बहुत थक रही हूँ, अभी से थक गई। अभी तो बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। अब ये क्या नया नाटक है? मुर्तसिम, अपने दुल्हन से ऐसे बात करते हैं क्या? आप यहां? हां मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी। देखो बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद आज ये खूबसूरत दिन अल्लाह ने हमें दिखाया है, इसका शुक्राना तो बनता है ना? बिल्कुल। मैं तो करूंगी ही, मैं चाहती हूँ कि तुम और मीरब दो दो नफल शुक्राने के अदा करो। अभी? हाँ अभी। आज की रात बहुत मुबारक है जो हमारे खानदान पर उतरी है। आज अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए मुस्तकबिल महफूज और खुशगवार रहेगा। बेहतर। अच्छा चलो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाओ, बिस्मिल्लाह करो। के लिए मुंह दिखाई तो मिल गई है मुझे। ये मुझे मुंह दिखाई नहीं देना चाहता, बल्कि मेरा मुंह तोड़ देना चाहता है। देखो मीरब, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, एक रिवायत है। हमारे खानदान में दुल्हा अपनी दुल्हन को अपनी माँ की अंगूठी इसलिए पहनाता है ताकि वो आगे चलकर उसके खानदान का मुस्तकबिल, घर की तरबियत, बच्चों का ख्याल और घरदारी अच्छी तरह निभा सके। ठीक है, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, सदा सलामत रहो, सुहागन रहो। Thank you.
चलो मैं चलती हूँ।